आलिया, मैं हार गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा जो सब आसमा के साथ हुआ है। मैं हार गया। बिना आसमा के मेहर और हानिया कैसे रहेंगी? अरमान छोड़ देगा आसमा को। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो आसमा है ना, अब दिन पर दिन बदतमीजी करती जा रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही है जो अरमान के और घर वालों के खिलाफ है। यहाँ पर कन्नू की शादी में भी हंगामा करती है। और भाई यही तो चाह रही थी ना आलिया, आलिया ने बोला था कि मैं तेरी बेटी का नाम तभी तुझे बताऊंगी जब तू ये सारी चीजें करेगी। और वो दिन पर दिन ना शर्तें बढ़ती जा रही है उसकी। अरमान, हमें हार नहीं माननी है। मैं जानती कि आसमा का हॉस्पिटल जाना कोई बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं, फिर अरमान हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब इस कदर शर्त बढ़ गई है कि वो अरमान और आसमा को अलग कर देगी। अब जो आलिया होती है ना, वो बोलती है आसमा से कि एक काम करो, तुम जितने अरमान के डॉक्यूमेंट्स है ना वो सब जला दो, उसके जितने सपने हैं वो सब खत्म कर दो। और आसमा मजबूर होती है और आसमा वही करती है। बच्चों के लिए, खुद के लिए, आसमा बहुत जल्दी ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। अरमान उसे आना ही होगा, हम सबके लिए। लेकिन गैराज में जाती है, सब कुछ जला देती है। अरमान का सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लोन के पेपर्स होते हैं, और ये देखकर ना उसके होश उड़ जाते हैं अरमान के। अरमान कहता है ये तुमने आसमा क्या किया, और आसमा ठीक है तुम जो कर रही थी वो सही था, बट अभी तुम जो कर रही हो वो गलत है। तब तक मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ ना अरमान, मैं ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो जैसे मेरी खुशी है वैसे हानि और मेहर भी है, तुम फिक्र मत करना। और यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाता है आसमा के ऊपर और पूछता है उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वो पूछ रहा है लेकिन आसमा कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और आलिया इसी बात का फायदा उठाती है और आलिया कहती है कि भाई अब एक काम करना चाहिए, इसकी दिमागी हालत बहुत खराब है। तुम बस खुद को संभालो अरमान, हम आसमा के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। और अब हम इसको ना मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। भाई राजा का भी हम इलाज करा रहे हैं ना, और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। तो अब लगता है कि आसमा को भी थोड़ी देर हम मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे तो शायद वो ठीक हो जाएगी। और यही अरमान को समझ में आ जाता है। यहाँ पर अरमान भेजना तो नहीं चाहता है लेकिन सारे लोग उसे मजबूर कर देते हैं। और आसमा भी कह देती है कि नहीं, मेरा जाना अभी जरूरी है और मुझे जाने दो। और आसमा बैठ के एम्बुलेंस में चली जाती है। अब जो वह एम्बुलेंस होती है ना, वो मंगाई होती है आलिया ने, और आलिया बुला लेती है बल्ली को। बल्ली देता है उसका साथ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्ली एम्बुलेंस के अंदर होता है। एकदम एम्बुलेंस रुक जाती है और आसमा कहती है एम्बुलेंस क्यों रोक दी, और देखते हैं कि बल्ली भाई उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आसमा चिल्लाती है वैसे वो इंजेक्शन लगा देता है और आसमा को कर देता है बेहोश। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है आसमा के साथ, क्या आसमा को हमेशा के लिए किडनैप कर लेगा, क्योंकि हम देखेंगे ना कि कुछ दिन बाद लीप आने वाला है और यहाँ पर सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। अब तब क्या होगा आसमा का, कहाँ होगी आलिया, वो तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।